तो ही ले जाएं ते हो पुरनारे आज गज गए हैं है सो तो भाई समाना मतलब बानर आए सुत आए बेटा तुम्हारे ही समान सब बानर हैं है सुत तुम्हें है सुत कपि तुम्हें समाना जात धान यत बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुन कब वचन की सुन कब सुन कब प्रकट की देहा मेरे अंदर बड़ा कपट है बड़ा विस्मय है इतना सुन करके हनुमान जी अपने रूप को एक स्वामी जी आ रहे हैं यहाँ इनको दर्शन करने के लिए मैं उनको लेके आ रहा हूँ आई आई एक स्वामी जी आ रहे हैं आपको दर्शन करने के लिए संत आ रहे हैं अच्छा अच्छा उनको लेके आ रहा हूँ मैं मतलब दर्शन योग्य हम ना ही है इतना बड़ा ना ही है पता नहीं लेकिन वो आना चाहते हैं मैं क्या करूँ चलिए चलिए सुन कब प्रगट कीन निज देहा कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर यति बलवीरा कनक भूधरा कनक की समान सोने की मणि की समान हनुमान जी कनक भूधरा कार शरीरा भूधरा मतलब बड़ी शरीर के धार कारण शरीरा समर भयंकर यति बलवीरा मतलब युद्ध में मतलब बहुत प्रकांड ऐसे रणधीर वीर को मतलब हनुमान जी कहे सब 10-10 मिनट का क्लिप बनाइए सीता मन विचार कर सीता मन विचार भरोस तब भयो पुण्य लघ रूप पवन सुत लयु सीता के मन में भरोसा हो गया अतः हनुमान जी छोटा रूप धर किए सुन माता शाखा मृग नहीं बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुणई खाई मधुर फल ब्याल सुन माता शाखा मृग नहीं बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुणई खाई मधुर फल ब्याल मन संसो सुनत कविवानी भगत प्रताप बिरत मय सानी आशीष दीन राम पीर जाना हो तात बल सीन निधाना अजर अमर गुण निशित हो करो बहुत रघुनायक चो सीता जी ने हनुमान जी को तमाम प्रकार से आशीर्वाद दिया कि तुम अजर अमर हो जाओ अजर अमर गुण निशित हो करो बहुत रघुनायक चो तुम अजर अमर हो जाओ और रघुनायक पर छो करो राम पर कृपा करो करो अजर अमर गुण निश्चित हो करो बहुत रघुनायक छो करहु कृपा प्रभु वस सुनकाना निर्भर पेन भगन हनुमाना बार बार नायस पसीसा बोला बचन जोर कर कीसा अब कृत कृत भय मय माता आशीषता मोक विख्याता मतलब अब मैं प्रसन्न हो गया हूँ माता अब बताइए अब कृत कृत भय मय माता आशीषता मोक विख्याता सुनो मात मोहि हसे भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा अरे माता मुझे बड़ी भूख लगी है और वृक्षों में बड़े सुंदर फल लगे हुए लाग देख सुंदर फल रूखा सुन सुत करह विपिन रखवारे परम सुभद्र मजीचर भारी मतलब अरे सुत सुनो इसमें बहुत बड़े बड़े निशाचर इसकी रखवाली कर रहे हैं परम सुभद्र रजनी चर भारी तिन कर भय माता मोहिनाही जो तुम सुख मानो मन माही मतलब उनकी भय हमको नहीं है हनुमान जी ने कहा उनकी भय हमको नहीं है अगर आप सुख मानती हैं तो मैं जाऊँगा वहाँ देख बुद्धि बल निपुल कप कहु जान की जाय देख बुद्धि बल निपुल कप कहु जान की जाय रघुपति चरण हृदय धरतात मधुर फल खाओ मतलब इस तरह से सीता जी ने हनुमान जी को चतुर और चलाक होशियार जान करके कहा कि तुम जाओ राम का अपने हृदय में धारण करके जाओ तुम खाल खाओ चले उनाई सिर बैठे उभागा फल खाए सुतर तो रही लागा मतलब इस तरह से हनुमान जी चले ना मतलब सीता जी को शरणवा करके और फल खाए सुतर तो रही लागा फल को खाने लगे और तर को तोड़ने लगे कछु मार रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारे कछ जाई पुकारे अनाथ ये गया नावा कभी भारी तहीं अशोक बाटिका उजारी मतलब कछ को मार दिया कछ मतलब पटक दे उपारे रक्षक मर्द मर्द मही डारे रावण पठये भट नाना नहीं देखी गर्जे हनुमाना सब रजनीचर कपि संहारे गए पुकार मारे पुन पठये तहीं यक्ष कुमारा चला संग लय जपट पारा आवत देख बिटप कह जर जाता ही निपात महाधुर गर जा मतलब तब रावण को बताया जब तो
तो ब्राह्मण ने अक्षय कुमार अपने पुत्र को भेजा और भेजा, उसके साथ बहुत बड़ी सेना आई। आवत देख टप कह दर्जा, जब उसको आते हुए हनुमान जी ने देखा तो एक बहुत बड़ा विकट बिटप पारा। आवत देख बिटप कही दर्जा, ताहिन पात महाधुन गर्जा, मतलब उसको मार करके महाधुन गर्जा किया, गर्जना किया हनुमान जी। कछु मारिस कछु मरदिस, कछुक मिलायस धर धूर, कछ पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। मतलब कछ को मार दिया और कछ मतलब उनका बेहोश कही देन। कछ मारिस कछ मरदिस, कछु मिलायक धर धूर, कछ को मतलब पकड़ करके उनको धूल में मिला दिया बल भूर। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, मतलब लंक जब उनके सुत का वध हुआ तो मतलब इससे रावण क्रोधित हो गया। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठैस मेघनाथ बलवाना, मारिस जम सुत बांधिस ताही, देखी कभी कहाँ कर आई। रावण कह रहा है कि मतलब तुम उसको मारना नहीं, बांध पकड़ करके लाना, मतलब वो मेघनाथ को कहा। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंध चन बरा कोधा, मतलब इंद्रजीत रावण का पुत्र मेघनाथ चला और भाई की मृत्यु सुनकर के बहुत क्रोध हुआ। कभी देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर्जा अर्धावा, जब कभी देख रहे हैं हनुमान जी देख रहे हैं कि तो बड़ा विकट आदमी आ रहा है। कटकटाई गर्जा अर्धावा, अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तर एक उपारा, बिरथ के लंकेश कुमारा, देख आओ दिक्कत आ रहा है। अति विशाल तर एक उपारा, बिरथ के लंकेश कुमारा, रहे महाभरता के संगा, कह गए मर्द तिनंगा, अतिन्ह निपादिता ही सन बाजा, भिरे जुगल मनोहर राजा, मुठिका मारु चढ़ा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई, उठ भोर की निस महु माया, जीत न जाई पभंजन जाया। मतलब मेघनाथ को देखा और तब मतलब उनको विकट हुआ। अति विशाल तर एक उपारा, एक बड़ा भारी विशाल पेड़ उपार करके, अति विशाल तर एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, मतलब उस लंकेश कुमार के रावण के पुत्र के ऊपर भेजा बहाया। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ के लंकेश कुमारा, रहे महाभरता के संगा, कह गए मर्द तिनंगा, तिन्हें निपात ताही सन बाजा, भिरो जुगलो मनोगा जजा, उनको निपात करके जो उसके साथ थे उसको मार करके और भिड़ गया मेघनाथ से। ताही निपात महाधुन गर्जा, मुठका मार कहा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई, मेघनाथ को हनुमान जी ने एक मुट्ठी मारा और एक क्षण के लिए उसको मूर्छा आ गई मेघनाथ को। मुठका एक महाकवनी, मुठका एक महाकवनी, मुठका मार चढ़ा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई, उठ बहोर की हित महुमाया, जाए प्रभंजन जाया। उठ करके मेघनाथ ने सोचा कि ये जीता नहीं जा सकता, उठ बहोर की हित महुमाया, जीत जाए प्रभंजन जाया। वायुपुत्र ब्रह्म अस्त्र से साधा, मतलब तब ब्रह्म अस्त्र से साधा, तब कुछ हार गए, तब ब्रह्म अस्त्र को उठाया। हाँ, मतलब जब हर प्रकार से हार गया तब वो ब्रह्म अस्त्र को उठाया। ब्रह्म अस्त्र से साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म मानव महिमा मिटे अपार। अगर ब्रह्म बान को मैं नहीं मानता हूँ तो ये बहुत बड़ी महिमा, ब्रह्मबान कब क्या थे हमारा तो वरदान था ना कि उन्हें कोई भी अस्त्र अस्त्र से क्षति नहीं पहुंचेगी। तो ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया था कि ब्रह्मास्त्र तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता, बट इतना मर्यादा के प्रति सजग थे, मतलब कि उन्होंने लगा कि मैं ब्रह्मास्त्र की महिमा नहीं मानूंगा तो ब्रह्मास्त्र आज तक कभी निष्फल नहीं हुआ, तो इसकी जो मर्यादा है ये खत्म हो जाएगा, तो भले ही मुझे वरदान है पर तब भी मैं ब्रह्म अस्त्र से अपने को बंधाऊंगा। ब्रह्म अस्त्र से कब मन कीन विचार, क्या बड़पन है, चाहते तो ब्रह्मा जी की वो अपमान कर सकते थे, ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र को नहीं मानते, नहीं बंधते। सीता जी उनका आशीर्वाद देन कि अजर अमर गुण निध स्थित हो, करम बहुत रघुनायक छो। सीता जी ने तो उनको आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निध स्थित हो,
मतलब सदा करो रघुनाथ अस सिद्ध नौ निध के दाता अस बर दीन जानकी माता। जानकी माता ने उनको अस्त सिद्ध नौ निध के दाता, मतलब इस तरह से सीता जी ने उनको राम रसायन तुम्हारे पास। हाँ, राम रसायन मतलब रसायन वो है जो मरते व्यक्ति को जीवित कर दे। तो आपके पास तो राम रूपी रसायन है, आपको तो मारा ही नहीं जा सकता। हाँ, नहीं मारा जा सकता। तुम्हारे पास अब भी संसार में चिरजीवी है व्यास 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 बल युधिष्ठिर अश्वत्थामा नहीं नहीं मेघनाथ है। मेघनाथ हनुमान जी पांच हैं, पांच अब भी किसी भी रूप में पृथ्वी पर जीवित हैं। युधिष्ठिर अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना, मतलब ये दूसरा है। अच्छा, मतलब ये पांचे हैं। हाँ, पांचों ये मतलब युधिष्ठिर व्यास युधिष्ठिर व्यास बलि और हनुमान जी जामवंत, ये पांचों हैं। अब पांच तीर्थ है, पांच कन्याएं हैं, पंच कन्या अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी पंच कन्या स्मरे नित्य महापातक नाशनम। खैर आप तो पंडित हैं आप। अरे आगे आगे, एक मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया, रुकी जाए।